एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक गजरोला में स्थित कटाई गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने सहाना परवीन को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 4500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। लगभग 1920 बॉर्डर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 758 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 140 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 12 नल रिबोर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 50 विद्युत पोल, 3 ट्रांसफार्मर व 16 लाइट भी लगी हुई है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान पति प्रधान ग्राम कटाई, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा, थाना गजरौला का रहने वाला हूँ और अपने गांव के लिए सरकार से विकास चाहता हूँ। मेरे गांव के अंदर पानी का निकास नहीं, नाले की बहुत सख्त ज़रूरत है और मेरे गाँव में कॉलोनियों की बहुत ज़रूरत है। ग्राम प्रधान योजना विकास से कॉलोनी चाहता हूँ, जिन गरीबों के छत नहीं है और विधवा पेंशन नहीं है मेरे गांव में। मेरे घर पे विधवाएं आती हैं कि प्रधान जी पेंशन बनवाओ, पेंशन नहीं बनी, 60 साल पेंशन जो बूढ़े हैं, बेटे नहीं देते उनको खर्च, वो प्रधान जी के पास आप कहते हैं हमारी पेंशनें बनवाओ, पेंशनें नहीं बनती। सरकार से मेरी मांग है कि हमारे गाँव में कच्चे रास्ते हैं, वो सही तरह से इतना पैसा नहीं आता जब मैं सबको बनवा सकूं। सरकार से गुजारिश है कि पैसा भेजे जो मैं रास्ते बनवाऊं, लोगों का विकास कराऊं और कॉलोनियाँ बनवाऊं। हमारे गांव में सरकार से गरीबों को बड़ी आस लगी हुई है कि प्रधान जी हमारा कुछ करावेंगे, मगर कई मरतबा मैं लिस्ट दे चुका हूँ, कोई लिस्ट कॉलोनियों की अभी पास नहीं होती। सरकार से मेरा हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि मेरी बात पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।